अलैकुम। पेज 74 पे स्टाफिंग कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द नेसेसरी स्टाफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नंबर वन, पॉइंट्स बताए हैं, सेवन पॉइंट्स हैं। डिटरमिनिंग द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, नंबर थ्री प्रोविजन ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग टू द स्टाफ, फोर इवेल्युएटिंग द वर्क अकम्प्लिश बाय द स्टाफ, फाइव डिटरमिनिंग द रेमिशन, सिक्स प्रोमोटिंग द स्टाफ, एंड सेवन टर्मिनेटिंग द इनकेपेबल एंड बैड स्टाफ। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कशन थोड़ी की थी, इसको आगे बढ़ाते हैं। कितने लोग चाहिए हैं तो उस हिसाब से ऐड में इनवाइट करेंगे और सीवीज को देखना शुरू करेंगे। फ़िल्टर करते करते हो सकता है कि 30-40 कैंडिडेट्स हम शॉर्टलिस्ट करें, फिर उसमें से इंटरव्यू कॉल्स होंगी, उसमें से कुछ लोग कटेंगे, उसके आगे चलेंगे, तो फिर आपस की नेगोशिएशन होगी। सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू में कुछ लोग और फिल्टर आउट होते हैं। ऐसा होते होते इन द एंड 8-10 स्टाफ के ऊपर हम लोग फाइनल बातें कर रहे होते हैं या उनके दरमियान में डायलॉग्स कर रहे होते हैं, और नेगोशिएशन के बाद इन द एंड जॉब के लिए बुला लिया जाता है। तो देखा जाएगा कि शुरुआत में कितनी नीड मौजूद होगी स्टाफ के लिए। तो फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, डिटरमाइनिंग द पर्सनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ जनरली बीन ऑब्जर्व दैट द स्टाफ रिक्वायरिंग पीपल ईदर इग्नोर और डू नॉट पे ड्यू अटेंशन टू द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग डिटरमिनेशन ऑफ द नीड ऑफ द स्टाफ। इफ द फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन इज नॉट स्ट्रेट, नो एफर्ट कैन मेक द वॉल स्ट्रेट लाइक द अदर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली एट दिस स्टेज ऑल्सो द सेम एटीट्यूड इज अडॉप्टेड बाई द मैनेजर। फर्स्टली वी शूट एंड हैंड द टारगेट आफ्टर। तो फॉर एग्जाम्पल, एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है, उस नए प्रोजेक्ट के लिए नंबर ऑफ स्टाफ डिटरमिन किए गए कि इस काम के लिहाज से 5 नए लोगों को हायर करना है। लेकिन वो जब काम शुरू हुआ, उस काम को नंबर ऑफ स्टाफ मिनिमम रिक्वायर्ड था वो 6 लोगों का था। इसका मतलब जो यहाँ पे एक शॉर्टेज आ गई एम्प्लॉय की, अब फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर ऑफ पीपल जब हम हायर करने के लिए एक्टिविटी शुरू करेंगे तो सबसे पहले एड प्लेस करेंगे, फिर ईमेल्स रिसीव करने के बाद डेटा फिल्टर किया जाएगा, डेटा फिल्टर करने के बाद अगला काम होगा वो इंटरव्यू के लिए कॉल्स करना, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू की तमाम एक्टिविटीज़, फिर फाइनल डायलॉग करना और बार्गेन करना सैलरी पे, और फिर जॉइनिंग के लिए बात करना। इस तमाम सूरत हाल में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टोटल जो टाइम कंज्यूम हो गया वो 3 महीने का था। जॉब एड लगा, जॉब एड के लिए 1 महीना दे दिया गया कि 1 महीने तक हमारे पास आप लोग CV भेज सकते हैं, ईमेल रिसीव हो गए। इसके बाद डेटा फिल्टर करते करते जब इंटरव्यू कॉल्स जानी शुरू हुई तो उसके लिए 15-20 दिन और चाहिए एवेल्यूशन करने के लिए, कौन से स्टाफ को कॉल की जाए, कौन से स्टाफ को कॉल नहीं की जाए। 15-20 दिन के बाद फिर इंटरव्यू शुरू होंगे, फिर इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड होगा, और इन दी एंड फिर किसी को जॉब के लिए हायर करने के लिए हायरिंग लेटर दे देंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में 3 महीने गुजर जाते हैं। अब जब जाके आगे पता चलता है कि 5 नहीं बल्कि 6 स्टाफ चाहिए थे, 1 स्टाफ की शॉर्टेज है, तो ये 3 महीने का जो टाइम था ऐड से लेके इंटरव्यू एक्टिविटीज़ तक, अगर हम इसको दोबारा से करने जाएंगे सिर्फ 1 एम्प्लॉय के लिए तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब वो 3 महीनों के बजाय फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी में अगर हमने हायरिंग करवानी है तो फ़र्ज़ कर लें कि 3 महीने के बजाय अगली एक वो वैकेंसी निकालने के लिए हमें 1 मंथ और लग गया मिनिमम भी। तो ओवरऑल 3+1, जो काम हम 3 महीने में ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते थे उसमें हमने गलती की कि इन एफिशिएंसी हमारे पास आ गई दोनों एक्टिविटीज़ में, हमें काम दोबारा से करना पड़ा। हमने पहले 3 महीने लगाए उसमें भी हमने स्टाफ नेसेसरी नहीं उठाया, 5 स्टाफ उठाया 6 के बजाय। दूसरी बात, जो अगला महीना एक ज़ाया हुआ है वो इस बात पर ज़ाया हुआ है कि जो एक शॉर्टेज हमारे पास मौजूद थी उसको हमने कवर अप किया। वो कवर अप करने के लिए, क्योंकि अब जल्दी जल्दी में काम हुआ है तो 1 मंथ में अगर हम लोग हायरिंग कर रहे हैं किसी एक शख्स की, तो उस इंटरव्यू
के दौरान में जितना भी काम है या हायरिंग के दौरान में जितना भी काम है उसको क्योंकि जल्दी में किया जाएगा तो ज़्यादा फॉल्ट्स के इम्कान है या डेफिशिएंसीज के इम्कान है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सही डिटर्मिनेशन कर लें कि नीड आपकी है क्या, मतलब 6 स्टाफ हायर करने या 5 स्टाफ हायर करने, फॉर एग्जांपल 6 स्टाफ हायर करने और आपने 6 ही डिटर्मिन किए थे कि हाँ 6 ही लोग मिलके इस काम को अंजाम देंगे, तो ये 6 लोगों का स्टाफ अगर के हायर किया जा रहा है और इसमें टाइम कंज्यूम किया जा रहा है 3 मंथ्स, तो इन दी एंड ये ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पे रही कि हमने स्टाफ सही डिटरमिन किया और उस हिसाब से फिर रिक्रूटमेंट की है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टाफ सही डिटरमिन नहीं करते, तो जब भी स्टाफ सही डिटरमिन नहीं करेंगे तो आपको डिले होगा काम में, रिक्रूटमेंट में आपको मज़ीद लोग चाहिए होंगे, फिर आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव दोबारा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड पार्टी या किसी HR एजेंसी के थ्रू हायरिंग करनी है तो फिर उनको दोबारा सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, उनको दोबारा बताना पड़ेगा, उनका जॉब एड दोबारा लगेगा, इंटरव्यू आपको बार बार करने पड़ेंगे। पहले एक फेज़ में किया उसमें 5 लोग उठाए, फिर दूसरे फेज़ में किया उसमें एक शख्स मज़ीद उठाया, ये आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मज़ीद ये कि काम भी रुकेगा, क्योंकि जब 5 लोग मिलकर काम कर रहे होंगे और असल में वो काम 6 लोगों का है तो इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान आते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने नीड को पहले डिटरमिन कर लिया जाए, सही नंबर ऑफ़ स्टाफ हमें पता होना चाहिए। अगर हम सही नंबर ऑफ़ स्टाफ नहीं पता कर सकते तो उसकी वजह से आपको बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हो सकता है। सेकेंड, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। The terms selection recruitment are used alternatively, but there is a difference between the two. Recruitment is the initial step concerning with motivating for filling vacancies by the suitable candidates, while selection is concerned with picking the right people among the candidate who are representative themselves. तो जैसे कि बात की गई थी selection recruitment के topic में, recruitment का मतलब ये है कि invite करना लोगों को कि कौन कौन लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं, जॉब एड लगा देना और उसके बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना और सही कैंडिडेट को पिक करना, वो सिलेक्शन कहलाता है। इसका मतलब तमाम का तमाम रिक्रूटमेंट पोर्शन, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू के लिए कॉल करना, ईमेल में से किसको फ़िल्टर आउट करना है किसको नहीं करना, उसके बाद जब सिलेक्शन सिर्फ कहलाएगी जब नेगोशिएशन करने के बाद जो कैंडिडेट हम हायर करेंगे वो सिलेक्शन कहलाती है। थर्ड टॉपिक, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टू द स्टाफ। जब भी स्टाफ कितने भी एक्सपीरियंस का हमारे पास मौजूद हो और अभी ऑर्गेनाइजेशन में आया है और हमारे साथ काम करना शुरू कर रहा है, तो उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और उसके रिलेटेड वर्क के हिसाब से बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उस ट्रेनिंग में दोनों बातें, जनरल ट्रेनिंग और फील्ड रिलेटेड ट्रेनिंग। तो कौन कौन से रूल्स को लेके चलना है, कौन कौन सी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी, ये तमाम बातें जनरल ट्रेनिंग में। फील्ड रिलेटेड ट्रेनिंग के हमें किसको रिपोर्ट करना है, कौन किससे बात करेगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसके लिए ज़िम्मेदार है, कितना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस पे फिक्स कर सकते हैं, तमाम बातें। ट्रेनिंग टू द स्टाफ, पेज नंबर 74। वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट इज द ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर एंड कॉमन वर्कर्स। द डिफरेंस अमंग्स द सिनोनिमस टर्म्स एट दिस स्टेज शुड बी क्लियर्ड। managerial development and managerial training. under managerial development are learns how to render the management function. there are many methods of managing development in which educational programs and different types of training programs may be included. ab ye training shuruaat mein bhi ho sakti hai, training time by time bhi ho sakti hai, jaise ki farz karte hain ki 6 mahine ke baad ek seminar conduct kar liya jaye ya koi test rakh liya jaye, quiz rakh liya jaye, तो उससे एफिशिएंसीज बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। मज़ीद ये कि कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो एजुकेशनल कोर्सेज या एजुकेशनल डिग्रीज के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं कि आप हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हैं या हमारे बिहाफ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो उस पढ़ाई की वजह से क्या होगा, इन दी एंड जो एड ऑन होगा वो यूटिलिटी एड ऑन होगी कंपनी की, कि वो कंपनी अपने स्टाफ को बेहतर तरीके से पढ़ा लेगी तो उसकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, उसकी एजुकेशन डेवलप हो जाएगी और इन दी एंड फ़ायदा उस इंडिविजुअल को भी होगा और कंपनी को भी होगा। The management training is concerned with short courses which are confined to impart the knowledge to managers so that the learning of management process may be easy for them. The process of learning may be based on books as well as on practical training. तो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग भी करवाई जा सकती है, अपने स्टाफ को कहीं और भी भेजा जा सकता है सीखने के लिए दूसरे सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में अगर कंपनी की कोई ख़ास फैक्ट्री लगी हुई तो उस फैक्ट्री के वर्कर्स को हो सकता है कि वो अर्बन एरिया में भेजें कुछ अर्से के लिए, 2 महीने 4 महीने के लिए, और उनको वहाँ पर सिखाएँ कि किस तरीके से काम होता है बड़ी इंडस्ट्री में,
हो सकता है कि एक फैक्ट्री रूरल एरिया में है, वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो जितनी अर्बन एरिया में, तो ऐसा हो सकता है कि फिर स्टाफ को ट्रेनिंग प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाता है इस तरीके से रोटेट करवा के एक जगह से दूसरी जगह भिजवा के। मजीद बात, शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, महीने दो महीने तीन महीने के कोर्सेज भी हो सकते हैं। कभी कभी कंपनीज खुद भी ऑफर कर रही होती हैं, उनके पास स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि अपने जूनियर्स को सिखा रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और इदारे से मुंसलिक हो जाते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा डिग्री प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। फोर, इवेल्यूशन ऑफ द वर्क। इवेल्यूशन ऑफ द वर्क का मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर स्टाफ की इवेल्यूशन होती है, दो लोग इवेल्यूशन कर रहे होते हैं, एक रिलेटेड डिपार्टमेंट और एक HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। रिलेटेड डिपार्टमेंट का काम होता है कि किस तरीके से काम किया गया है, टेक्निकली कौन सा वीक एरिया था, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया था, वर्कर आगे बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता, उसकी जॉब कैसे और बेहतर बनाई जा सकती है, कौन सी एफिशिएंसीज हैं, कौन सी इनएफिशिएंसीज हैं, तमाम के तमाम काम फील्ड रिलेटेड जो भी मैनेजर या सुपरवाइजर होंगे वो देख रहे होंगे स्टाफ के। दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि जनरली क्या बिहेवियर रहा उस स्टाफ का, ख़ास तौर पे किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, किस तरीके से जाते हैं, उनकी छुट्टियाँ कितनी हैं कितनी नहीं हैं, मेडिकली फिट हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें, पिक एंड ड्रॉप और कैंटीन फैसिलिटी, ये तमाम चीज़ें HRM डिपार्टमेंट देख रहा होता है। फाइव, डिटर्मिनिंग द रेमुनरेशन, के सैलरी क्या रखी जाएगी, सैलरी के साथ अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मेडिकल अलाउंस है या मेडिकल एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस को रीइंबर्स करना अलग बात होती है, अलाउंस अलग बात होती है। अलाउंस का मतलब एक फिक्स अमाउंट मिल जाती है स्टाफ को कि आप इतने हद तक मेडिकली आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 6,000 पर मंथ। और मेडिकल एक्सपेंस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉई को कॉन्ट्रैक्ट में लिख देती है कि आपके बिहाफ पे जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो हम उठाएंगे, भले वो 4,000 हो 3,000 हो जो भी है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अपर लिमिट भी लगा देते हैं कि जैसे 10,000 से एक्सीड ना करें पर मंथ, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं कहीं पे लिमिट्स होती हैं, तो कंपनीज अपने बिहाफ पे बहुत सारे खर्चे जिम्मे ले लेती है एम्प्लॉयज़ के, और एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी आसान कर देती है, तो ऐसा होता है बिल्कुल। अच्छा, डिटरमिनिंग द रेमुनरेशन में क्या क्या बातें हैं। एम्प्लॉई कंपनसेशन व्हेन प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड कैन फर्दर कोऑपरेट स्ट्रेटजी एंड बी एन इफेक्टिव टूल टू ऑब्टेन मेंटेन एंड रिटेन अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। सिंस कंपनसेशन कैन सिग्नल विच बिहेवियर्स आर मोस्ट वैल्यूड, इट हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी स्ट्रांगली। इफ इट इज मिसमैनेज द रिजल्ट मे बी हाई टर्न ओवर, इंक्रीज एब्सेंटीज़म, मोर ग्रीवांसेस, इंक्रीज जॉब डिससेटिस्फेक्शन, पुअर प्रोडक्टिविटी एंड अनफुलफिल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान्स। रेमिशन सही फिट करनी चाहिए, सही सेट करनी चाहिए, कितनी सैलरी पे हम किस स्टाफ को लेंगे, पहली बात ये है। पे स्केल इतना होना चाहिए कि एक एम्प्लॉई का दूसरे एम्प्लॉई से कंपेयर किया जा सके कि कौन कितना वैल्यूएबल है अपनी कंपनी के लिए। मजीद बात यह है कि अगर वक्ती तौर पर किसी स्टाफ को हमने कहा है कि 4 से 6 महीने के बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और 6-7 महीने के बाद सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, से एम्प्लॉई के अंदर जो मोटिवेशन जो उसको पहले मिल रही थी वो अब मिलना ख़त्म हो जाएगी, एम्प्लॉई डिससेटिस्फेक्शन का शिकार हो जाता है, एम्प्लॉई सोचने का शिकार हो जाता है कि अब मैं इस कंपनी में कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, या किसी का बोनस आप रोक लेते हैं और बोनस नहीं देते, दूसरे स्टाफ को बोनस मिल गया, किसी एक स्टाफ को बोनस नहीं मिला, तो वो फिर इस बात को सोचने लगता है कि क्या उसको जॉब स्विच कर देनी चाहिए या नहीं। मजीद बात यहाँ पे ये बताई गई कि मोर ग्रीवांसेस, फिर इस सूरत में इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू होते हैं। वो एम्प्लॉई जिसको बोनस नहीं मिलता, फिर वो सवालात करता है कि दूसरे एम्प्लॉयज़ को बोनस कैसे दिया गया और किन बेसिस पे दिया गया, क्या फेवरेटिज्म था वहाँ पे या नहीं। मजीद बात ये कि एब्सेंटीज़म इंक्रीज हो जाता है, हाई टर्नओवर्स। टर्नओवर्स का मतलब जॉब स्विच करना, बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ छोड़ के चले हैं अगर कंपनी को या किसी फैक्ट्री को, तो फिर उस फैक्ट्री को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था उसकी जगह दूसरा स्टाफ आएगा और काम सीखेगा, काम सीखते सीखते भी महीनों लग जाते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी एग्जिस्टिंग स्टाफ की थी। तो इन तमाम बातों को सोचते हुए सही रेमिशन सेट करना और टाइमली इंक्रीज करना सैलरीज और किस तरीके से प्रमोशन करनी है, तमाम चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कंपनीज को। The relative worth of job is determined through job evaluation techniques. This ensures internal equity, wage and salary surveys then determine external equity. Once internal and external equity have been determined, jobs are priced to determine their specific pay levels, which may be grouped into rate ranges for easier administration. तो ऐसा होता है कि मार्केट के हिसाब से, मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से एक खास रेंज रख लेते हैं कि इतने पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे क्या सैलरी होनी चाहिए,
तो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस ही हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना कितना ऑफर कर रहे हैं ताकि उस हिसाब से हम सैलरी ऑफर कर रहे हों। तो अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है जॉब एड्स में कि मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरीज वुड बी गिवन, तो उसमें यही बताया जा रहा था कि मार्केट में जो भी आपकी वर्थ है आपको उतनी वर्थ मिलेगी या उससे ज़्यादा वर्थ मिलेगी। तो बहुत आसान हो गया आजकल के दौर में जॉब को एवेल्यूएट करना है कि किसने कितना काम किया, किस लेवल पे जाके काम किया तो उसकी सैलरी क्या बननी चाहिए। मज़ीद बात यह, सोशल मीडिया पे तकरीबन हर कंपनी का पोर्टल भी मौजूद है, तो अगर कोई स्टाफ जो कि नाराज़ है अपनी कंपनी से या कोई कंपनी जो अपने स्टाफ को एक ख़ास तौर पे लेबल कर रही है कि किसी स्टाफ ने हमारे साथ सही तरीके से काम नहीं किया, बिहेव नहीं किया, तो उसको वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक इंतहाई आसान प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों एम्प्लॉयर को भी समझना चाहिए कि एम्प्लॉई से क्या नीड्स हैं और कैसे फुलफ़िल करवाना और काम कैसे लेना, और एम्प्लॉई को भी चाहिए कि वो एम्प्लॉयर को परसू करे कि अगर किसी किस्म की हक तलफी खुदा ना खास्ता हो रही है तो एम्प्लॉई भी एम्प्लॉयर से बात कर सकता है, उसको सजेशन दे सकता है, उनको समझा सकता है कि इस तरीके से मार्केट में हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों के ग्रीवांसेस जा सकते हैं अगर के रिजॉल्व नहीं होते, और दोनों के लिए उससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है। जाहिर सी बात है जब कंपनी के बारे में कोई स्टाफ जाके बात करेगा कंपनी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे तो कंपनी की गुडविल हर्ट हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही अगर कंपनी किसी स्टाफ के बारे में बात कर रही है तो उस स्टाफ के लिए मसला हो सकता है, मार्केट में उसको फिर जॉब मिलना मुश्किल हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों का भी ख्याल किया जा सकता है। मज़ीद ये बात बताई गई है गवर्नमेंट कहीं कहीं पे मिनिमम वेज रेट मुकर्रर कर देती है, या फॉर एग्जांपल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन होती है, वो साथ बैठ के बार्गेन करते हैं कि हमारी इतनी कम से कम वेज होनी चाहिए, या दो महीने अगर सैलरी नहीं मिली तो फिर हम क्या करेंगे, इसका लायमल क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाता है। तो रिमरेशन जब भी सेट कर रहे होंगे या सैलरी जब भी सेट कर रहे होंगे तो इन तमाम बातों को सोचते हुए एम्प्लॉयर को चाहिए कि बेहतर से बेहतर सैलरी देने की कोशिश करें ताकि एम्प्लॉयज़ सैलरी जो कि बेसिक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन है उसको एक साइड पर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि सैलरी मिलेगी, टाइमली मिलेगी और सही सैलरी मिलेगी तो फिर वो बेहतर तरीके से फोकस वे में काम कर सकता है। 6 नंबर, प्रमोशन ऑफ द स्टाफ। जनरली प्रमोशन इज नोन एज द प्रमोशन फ्रॉम लोअर टू हायर पोजिशन विद द रेज इन मनी वेजेस। प्रमोशन इज अटैच विद वेरियस सोशल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फीलिंग्स विच हैव एन अट्रैक्शन फॉर अ वर्कर। प्रमोशन इन फैक्ट इज द डायरेक्ट डिस्प्ले ऑफ एडमायरेशन ऑफ द वर्क। जब भी किसी को प्रमोशन की जाती है इसका मतलब यह है कि कंपनी सराहती है कि किस तरीके से काम किया गया और वर्कर ने कितने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया है और कितना ज़्यादा ईमानदारी से काम किया है। तो जब भी प्रमोशन होगी तो प्रमोशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और कभी प्रमोशन अगर नहीं होती उसके भी फैक्टर्स वही होते हैं जो कि नेगेटिव्स में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एटीट्यूड किस तरीके से है, आप काम को कितना सीरियसली लेते हैं कितना सीरियसली नहीं लेते हैं, आपकी लीव्स की तादाद कितनी है, आपने टेक्निकल वर्क परफॉर्म किया वो डेडलाइन के हिसाब से किया है, डेडलाइन के बाद किया है, एडिशनल वर्क जो है आपको करना पड़ा या आपको ज़्यादा रुकना पड़ा, दो दिन डिलेड वर्क आपने सबमिट किया, ये तमाम बातें भी देखी जाती हैं। तो प्रमोशन के अंदर ये तमाम चीज़ें बेसिस पे ली जाती हैं। प्रमोशन इज़ द मोस्ट अफेक्टिव सोर्स ऑफ मोटिवेशन बिकॉज द पीपल मेक अनटायरिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी इन द होप ऑफ प्रमोशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन फुली बी बेनिफिट बाय द हिडन कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। कभी किसी एम्प्लॉय को आप कह दें कि आपको प्रमोट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल किसी खास टास्क को हम अचीव करने के बाद, तो उस टास्क को अचीव करने के लिए उस एम्प्लॉई के दिल में एक और मोटिवेशन आएगी कि मैं जितना बेहतर से बेहतर काम करूंगा तो मेरी फिर आगे जाके मजीद इंक्रीमेंट लग सकता है, प्रमोशन हो सकती है। तो एम्प्लॉई का लेवल जो मोटिवेशन का था पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा और एम्प्लॉई आगे जाके और बेहतर से बेहतर काम करेगा ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए। तो कभी कोई अपना 100% फॉर एग्जांपल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा था, 80% 70% पे काम कर रहा था, जब उसको हाईली मोटिवेट किया जाता तो हो सकता है वो 70 के बजाय 90% 95% तक अपना मोटिवेशन की वजह से अपना वर्क परफॉर्म करे, तो उस सूरत हाल में कंपनी को भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाए कि उनकी प्रमोशन किन किन बातों पे बेस कर रही है और आप किस तरीके से अपनी प्रमोशन को अचीव कर सकते हैं तो एम्प्लॉय ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। 7, टर्मिनेशन of the staff. Termination and firing the employees from the job is the most undesirable function of the manager. दोनों के लिए मुश्किल आते हैं, मैनेजर के लिए भी और जो जॉब छोड़ के जा रहा है उस बंदे के लिए भी। वो इस वजह से कि जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉई उनको कहीं और सेट होना है जाके, फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी पैकेज बिल्कुल वही है या थोड़ा सा ज़्यादा भी है
तो उसमें दूसरे वेरिएबल्स भी आ जाते हैं कि वहाँ पे जाके क्या सही तरीके से सेट हो जाएंगे, जिसको रिपोर्ट करना है उससे बात बन सकती है अच्छी, जो आपके अंडर स्टाफ काम कर रहा है क्या वो बिल्कुल उस तरीके से कोऑपरेटिव होगा जो कि करंट सिचुएशन में आपके साथ काम कर रहा है, करंट कंपनी में काम कर रहा है। तो बहुत सारे रिस्क के साथ फिर जब भी जॉब स्विच होती है तो इन तमाम रिस्क के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अनडिज़ायरेबल फंक्शन होता है, हमेशा मुश्किल होती है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई निकालने के लिए भी मुश्किल है और एम्प्लॉई जब भी छोड़ के जाता है एम्प्लॉयर के कहने पे या अपने खुद की बिल से, दोनों सूरत हाल में उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। वो इस वजह से कि अब नई जगह जाके सेट होना, नई जगह जाके नाम बनाना, नई जगह जाके अपनी पोजीशन बनाना कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ, अपनी अथॉरिटी को वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करवाना, ये कोई आसान बात नहीं होती कि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करते हैं, ये तमाम बातें आती हैं और इनको फिर कोप अप करना पड़ता है। टर्मिनेशन इज एन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू विच अ वर्कर आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज अक्वायर्ड द राइट नाउ टू वर्क एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनसेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग पॉपुलर, द पीपल आर एंटरिंग इन देयर गोल्डन एयर्स टर्मिनेट फ्रॉम द जॉब इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन हैंडशेक। तो टर्मिनेशन कभी कभी रिटायरमेंट के थ्रू होती है कि एज कम्प्लीट हो जाती है, कभी कभी अर्ली रिटायरमेंट के लिए ऑफर कर दी जाती है कि जब वो देखते हैं कि एक स्टाफ आपके पास से फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा है और उसकी सैलरी है तकरीबन 150,000 और वो आपको महंगा पड़ रहा है, तो उस स्टाफ के बदले हम दूसरा स्टाफ जो कि एक्सपीरियंस भी है, कम एक्सपीरियंसड है और एजुकेशन उसकी ज़्यादा है उस पुराने स्टाफ से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अर्से पहले पढ़ाई की थी या जो भी सिलसिला था, फॉर एग्ज़ाम्पल उतना ही स्टाफ 100,000 में अगर हायर किया जा सकता है, तो फिर कंपनी ये सोचेगी उस 100,000 की वजह से उसको पर मंथ कंपनी को जो सेविंग होगी वो होगी 50,000 की, तो एयरली ये सेविंग बन जाती है फिर 6,00,000 की। तो कंपनी ऐसा सोचती है कि अब मैं स्टाफ को रिप्लेस करें, हम लोग स्टाफ को रिप्लेस करते हैं और 600,000 के बराबर उनको फ़ायदा हासिल हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग होएगी। लेकिन फिर वो इस हिसाब से भी सोचेंगे कि जब नया स्टाफ आएगा उसका एक्सपीरियंस क्योंकि कम होगा तो वो डिफरेंट सिचुएशन में जाके हेजिटेट ना करें, तो फिर ये मैनेजर के ऊपर है या सीनियर मैनेजर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर होता है कि वो सोचें कि अगर वो किसी स्टाफ को जाने दे रहे हैं तो उसके बदले जो नया स्टाफ आएगा क्या वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, या उसकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है उसमें कहीं ना कहीं वेरियंसेज आएंगे और वो जो 6,00,000 का फ़ायदा उठाने वाले थे खुदा ना खास्ता इस नए शख्स की वजह से 6,00,000 के बजाय नुकसान ना हो जाए 8,00,000 का। तो ये तमाम बातें सोचते हुए कंपनी डिसाइड करती हैं कि क्या एग्जिस्टिंग स्टाफ को रिटायर कर दिया जाए या अर्ली रिटायर कर दिया जाए। अब जब भी ऐसा स्टाफ जो कि अंदाज़ा लगा रहा है कि मैं काम करूँगा 60 ईयर्स तक और 57th ईयर में कंपनी ने कह दिया कि आपने बहुत काम कर लिया और आप जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी खिदमत का, उस सूरत हाल में अब इसके 4 साल तो मुश्किल में आ जाते हैं। तो हो सकता है कि इस स्टाफ के ये 3 या 4 साल की कंपनसेशन के लिए फॉर 4 ईयर्स हो सकता है कि उनको 6,00,000 के बजाय हो सकता है 1,000,000 ऑफर कर दिए जाएँ कि आप हमसे कंपनी से 1,000,000 लें और आज के आज चले जाएँ। 1,000,000 का मतलब तकरीबन 150,000 के हिसाब से अगर वो मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं तकरीबन 1 साल की, तो 1 साल तो नहीं 7-8 महीने 10 महीने की सैलरी बनती है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो स्टाफ है वो फिर चले जाता है छोड़ के और गोल्डन हैंडशेक लेके चले जाता है कि चलो कोई बात नहीं मैं कहीं और ट्राई करूँगा या अपना बिज़नेस शुरू करूँगा, और फिर वो ये गोल्डन हैंडशेक लेके ये रिटायरमेंट अमाउंट लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो कहीं और काम करने लगते हैं, अपना बिज़नेस शुरू कर देते हैं और कंपनी को भी आसानी रहती है कि वो 50,000-50,000 रुपये हर साल या हर महीने जमा करते करते साल के 6,00,000 रुपये जमा करेंगे, उस 6,00,000 में से 10,00,000 बना के 1 साल 1.5 साल तक के लिए तो उन्होंने पैसे दे दिए उसी शख्स को वापस, और आगे के जो भी ईयर आते जाएंगे उसमें वो फिर सेविंग करते चले जाएंगे और वो जो 6,00,000 रुपये जमा होंगे अगले 4 सालों में उसमें से कंपनी ये पूरे सेव कर रही है, क्योंकि ये दोनों तो इन्होंने एज कह लें कि कंपनसेशन पे कर दी थी एग्जिस्टिंग स्टाफ को तकरीबन वही कह रहे 10,00,000 या 12,00,000, तो शुरू की जो सेविंग थी वो तो उसी एम्प्लॉय को चली गई, फिर उसके आगे से फिर कंपनी को फ़ायदा होना शुरू हुआ। तो कभी कभी ये कंपनीज देखती हैं और इस तरीके से पैकेजेस लेकर आते हैं कि गोल्डन हैंडशेक करके आप जा सकते हैं अगर आप चाहें तो।
Sometimes the organizations terminate their employees because of their continuous bad performance to lacking trust, boredom or new energetic replacement. कभी कभी ऐसा होता है companies कुछ staff को जानबूझ के जल्दी फारिग कर देती हैं क्योंकि staff ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता या वो अपनी task को सही तरीके से अचीव नहीं कर रहे होते, deadlines meet नहीं कर रहे होते या फिर absent बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कंपनी नोटिस पीरियड देती है कि 1 से 2 महीने या 3 महीने का पहले वार्निंग दे सकती है, वार्निंग के बाद नोटिस पीरियड देते हैं कि आप 1 से 2 महीने बाद सीट खाली कर दें और आपकी जगह हम किसी और को हायर करेंगे क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अंडरमाइन हो रही है, आप जाएंगे और आपके बिहाफ पे जो दूसरा बंदा आएगा वो ज़्यादा बेहतर काम करके दे सकता है, उस सूरत में फिर कंपनी टर्मिनेट करती है और एम्प्लॉई फिर आपके पास से चले जाता है। तो ये टॉपिक था प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द नेसेसरी स्टाफ फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हम स्टाफ को हायर करते हैं, किस तरीके से वो चलता है, साथ साथ हमारे मतलब नीड डिटरमिनेशन से लेके फिर उसकी सिलेक्शन करनी है, फिर उसको ट्रेनिंग करवानी है, फिर उसको किस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे, ये तमाम बातें अप्रेजल एनुअल एक्टिविटी कह सकते हैं या क्वार्टर या सेमी एनुअल एक्टिविटी कह सकते हैं, और रेमुनरेशन को बार बार अपडेट करते जाना क्योंकि साल कंप्लीट होता है, 2 साल कंप्लीट होते हैं तो ज़रूर ज़रूर एम्प्लॉई की सैलरी को बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ भी देखी जाती है। फिर प्रमोशन कब कर रहे हैं, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये एक प्लान होता है जॉब प्लान के किसी स्टाफ को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो अपने करियर में आगे किस तरीके से हमारे साथ चल सकता है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि पहले वो असिस्टेंट अकाउंटेंट थे तो 2 साल के बाद उनको सीनियरिटी देके अकाउंटेंट तक लेके जाएंगे, उसके बाद सीनियरिटी देके 2-3 साल बाद सीनियर अकाउंटेंट तक लेके जाएंगे, हो सकता है 2 साल बाद फिर वो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स बन जाएंगे, फिर मैनेजर अकाउंट्स बन जाएंगे, इस तरीके से जॉब कैसे कैसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो एक प्रमोशन का प्लान होना चाहिए कंपनी के पास या HRM डिपार्टमेंट के पास। और इख्तिताम में ये भी देखना है कि स्टाफ को कब रिटायर करना है, क्या कोई एज लिमिट है, क्या इस लिमिट से पहले हम गोल्डन हैंड शेक देते हुए स्टाफ को कह सकते हैं कि आप कुछ पैसे लें हमसे और आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, आपने बहुत ताउन किया, 30 साल काम किया, 20 साल काम किया, या तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि स्टाफ खुद से रिज़ाइन दे दे और फिर अपना नोटिस पीरियड मुकम्मल करके वो फिर चले आता है अगर, तो एक सूरत हाल ये हो सकती है। चौथी सूरत हाल ये हो सकती है कि स्टाफ को हम खुद निकाल दें जबरी तौर पर और कहा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, जो भी गलतियाँ थी एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से, या कभी पॉलिटिक्स भी आती है, कभी एम्प्लॉयर गलतियाँ करते हैं, कभी एम्प्लॉय गलती करते हैं, उस सूरत में ऐसा हो सकता है कि फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो टर्मिनेशन कभी ना कभी हो रही है, जैसे एंट्री हुई है बिल्कुल उसी तरीके से कभी ना कभी स्टाफ एग्जिट ज़रूर होगा। इसके बाद मजीद चीज़ ये है कि अगर के क्वेश्चन आता है पूरा प्रोसेस बताने के लिए तो तमाम का तमाम प्रोसेस बता दिया जाएगा, तकरीबन 7 पॉइंट्स ये बताने हैं, और अगर क्वेश्चन आता है किसी खास 1 या 2 पॉइंट्स के बारे में स्पेसिफिकली तो फिर आप उस हिसाब से सिर्फ उस हेडिंग को डिस्क्राइब करेंगे, तमाम स्टेप्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक था स्टेप्स नेसेसरी फॉर स्टाफ या स्टाफिंग कैसे की जाती है, स्टाफिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, इन तमाम बातों में। तो HR डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि अगर के स्टाफ आ गया है तो सिर्फ उस टाइम ज़्यादा उस पर फोकस किया जाए, बल्कि हर साल या रोज़ाना की बुनियादों पर ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ इवेल्यूशन चल रहा होता है, कोई ना कोई रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट भी बन रही होती है जिस पर फिर ईयरली जाके एवेल्यूएट करते हैं कि किस मंथ के हिसाब से क्या काम किया गया और एट द एंड ऑफ द ईयर स्टाफ ने कितना काम किया हमारे साथ, फिर उसको देखते हुए फिर अप्रेजल की तरफ जाते हैं कि किसको अप्रेज करना है, किसको अप्रेज नहीं करना है। स्टाफिंग के बारे में जनरली कुछ बात कर लेते हैं। ह्यूमन एसेट्स कहलाते हैं स्टाफ के, जैसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, तमाम के तमाम एसेट्स के अलावा ह्यूमन एसेट्स जो कि अकाउंट्स की टर्म में एसेट नहीं होते, लेकिन आप कह सकते हैं कि लोग जो काम करते हैं, जो वर्कफोर्स है, वो भी एक असासा होती है कंपनी के लिए, वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करेंगे, जितना आप उन पर इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप उनको बेहतर ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम करेंगे। तो अगर मशीन्स बेहतर से बेहतर मौजूद हैं लेकिन आपके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ मौजूद नहीं है तो एक रिस्क है, और अगर स्टाफ बेहतरीन मौजूद है और आपके पास मशीन उस तरीके से मौजूद नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, तो ये भी एक रिस्क है। तो एक बैलेंस रखना चाहिए हमेशा कि आपके रेलिवेंट स्टाफ के हिसाब से रेलिवेंट मशीनरीज या रेलिवेंट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं या नहीं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैपटॉप्स की तादाद कम है और स्टाफ के हिसाब से लैपटॉप्स मुकम्मल नहीं है तो यहाँ पे भी इनएफिशिएंसी आ जाएगी, लेकिन वो स्टाफ की गलती नहीं होगी, वो लैपटॉप्स कम होने की वजह से काम कम हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लैपटॉप्स की तादाद है तो लेकिन फिर एम्प्लॉज़ कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी ऐसा होता है कि इक्विपमेंट्स शॉर्टेज होती है, इक्विपमेंट्स की इक्विपमेंट एक्सेस में होते हैं, ऐसी स्टाफ कभी एक्सेस में होता है और कभी उनकी शॉर्टेज होती है। तो स्टाफ का एक ख़ास अहम रोल ये है कि वो एक इस तरीके के एसेट हैं, तो पहली बात तो ये कि वो अकाउंट्स में नहीं आएंगे, दूसरी बात ये कि वो इस तरीके के एसेट हैं कि उनकी बिल्कुल हैसियत वैसी है जैसे दूसरे एसेट्स की हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ की होती है कि वो क्योंकि उनके अपने सोचने समझने की सलाहियत होती है दूसरे एसेट्स के हिसाब से, फ्री एसेट को अपने हिसाब से कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, तो स्टाफ को बहुत सारी बातें पता हैं, फिर उसका बिहेवियर भी अलग तरीके का होता है, फिर उसके अंदर थोड़ी सी कह लें कि इस तरीके से सोचने की समझने की सलाहियत भी है, फिर उसकी फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती हैं, जबकि एसेट के साथ ऐसा नहीं होगा। तो ह्यूमन एसेट कह लें या स्टाफ कह लें तो या ह्यूमन रिसोर्स कह लें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर स्टाफ अलग तरीके से बिहेव करेगा, हर स्टाफ अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, हर स्टाफ की परफॉर्मेंस या स्किल्स अलग अलग होंगे, हर स्टाफ का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो ये हर स्टाफ के कॉन्टेक्ट्स और हर स्टाफ का किस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशन है दूसरे स्टाफ के साथ या अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ या सबॉर्डिनेट्स के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा बेस करता है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे स्टाफ स्टाफ टू स्टाफ भी या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी चीज़ें कम्पीट कर रही होती हैं, तो एसेट्स आपस में कम्पीट नहीं करते आमतौर पर, लेकिन ह्यूमन एसेट्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन एसेट्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट लिखने पे आता है तो ह्यूमन एसेट्स पे हम शॉर्ट नोट लिख सकते हैं जो कि पेज नंबर 83 पर है। इसका मैं सेकंड पैरा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ह्यूमन कैपिटल और एसेट इज सो इम्पॉर्टेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज मस्ट हैव बिल्ड कस्टमर सर्विस टीम्स एंड जॉइनिंग द टीम विद स्पेशल इवेंट्स एंड होल्ड इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल टीम असेंबलर्स। तो एक तो पहली बात ये है कि इन ह्यूमन एसेट्स का ख्याल करना है, दूसरी बात ये ह्यूमन एसेट्स जो है इन दी एंड किसी एक लीडर के हाथ में होने चाहिए, या ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कंट्रोल करना है तो उसमें बेहतरीन बात ये होगी कि टीम वर्क कैसे किया जाएगा, क्योंकि एज अ टीम काम करना ज़्यादा बेहतर है, जिसको हम लोग ने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर के टॉपिक में, हेनरी फ्यूल का फर्स्ट पॉइंट जो था 14 पॉइंट्स में कंप्लीट होता है। इसका टेक्स्ट आप लोग घर से पढ़ सकते हैं, और इसकी अगर कोई शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप पेज नंबर 83 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टाफिंग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।